नजदीकी योग के साथ ही सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए भाजपा का जनसंपर्क भी तेज हो चला है, जहां प्रत्याशी तुलसी सिलावट व अन्य नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने मंगलवार को बड़ोदिया खान से अपना जनसंपर्क शुरू किया, जहां आसपास के कई गांव में जनसंपर्क करते हुए भाजपा की जीत के लिए वोट मांगे, जहां सिलावट का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। कहीं उन्हें युवतियों व बच्चों ने विजय तिलक लगाए तो कहीं बुजुर्गों ने जीत का आशीर्वाद दिया। एक तरफ जहां भाजपा प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे थे तो दूसरी ओर प्रदेश की पर्यटन मंत्री और महू विधायक उषा ठाकुर ने भी बीजेपी के लिए सांवेर के दूसरे छोर पर मोर्चा संभाल रखा था, जहां से ठाकुर ने लक्ष्मण खेड़ी, शीतला माता नगर, तजलाना सहित कई गांव में जनसंपर्क किया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं व नेताओं से मुलाकात की। इसी तरह धर्मपुरी खुराना व सांवेर में पूर्व लोकसभा स्पीकर व इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन भी जनसंपर्क में जुटी हुई थी, जो तुलसीराम सिलावट को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें जीत के गुर सिखा रही थी। यदि आप सांवेर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप अभी आप ग्रामीण क्षेत्र में इस चुनाव को? हम अपने राष्ट्रवादी विचारधारा लेके घर घर गांव गांव बूथ पे पहुंच रहे हैं। सारा वातावरण सकारात्मक है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीत हासिल करेगी। डॉक्टर राजेश सोनकर जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने तुलसीराम सिलावट के ऊपर एक याचिका दायर की थी पिछले चुनाव के समय, जिसे वापस ले लिए उन्होंने, इसके बारे में क्या कहना है? आप एक मंत्री हैं, उस तरह से जब कोई हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गया, जब राष्ट्रवादिता उन्होंने स्वयं स्वीकार कर ली, तो सारे मतभेद और मनभेद खत्म हो गए। यदि लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं पैसे के लेन देन के, कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत फर्जी भी हैं, आपने देख लिया, वो पैसा व्यापारियों का था, व्यापारियों ने प्रमाण सिद्ध करके वो ले भी गए। तो स्वस्थ राजनीति सबने करनी चाहिए। ये लोकतंत्र प्रजातंत्र का मंदिर, हम सबको शुचिता से, अनुशासन से पावन और पवित्र रखना होगा। ऐसे झूठे वातावरण बना के कोई स्थिति खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सच तो जीतता ही है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। आज मंत्री उषा ठाकुर जी, हमारी दीदी, आई हमारे गांव में, उनके नेतृत्व में अच्छा बढ़िया माहौल है और अच्छी सैलाब है और प्रचंड बहुमत से जिताएंगे और दीदी का मान सम्मान बना रहेगा। आपका परिचय? सतीश मालवी, जिला पंचायत सदस्य ग्राम। आपके गांव में आज मंत्री क्या है, किस तरह से स्वागत किया आपने और कितनी उम्मीद है आपको? हमने तो देखो शुरू से जुड़े हैं उनसे, बिना पार्टी सोच के समझ के हमने किसानों के हित में काम करते हैं, जमीन स्तर से हैं। विधायक रहे ना रहे, वो सबके साथ खड़े होते हैं। तो जब शिवराज सिंह जी की सरकार में आए हैं तो सरकार किसानों का अच्छा सहयोग किया है शिवराज सिंह जी ने, तो उम्मीद है दोबारा इनको तुलसी भैया को चुनाव जिताना है, ताकि किसानों का जो काम अधूरे पड़े हैं वो पूरे हो सकें। आप कह रहे हैं शुरू से व्यक्ति विशेष उनसे जुड़े हुए हैं, किस तरह का नेचर है उनका? उनका तो सरल स्वाभाविक नेचर है, हर गांव में वो 10-15 लोगों को, 20 लोगों को तो नाम से पहचान ही लेते हैं। हाँ, और कोई गया किसी भी काम से तो मना नहीं करते हैं वो, भले किसी भी पार्टी का हो। विधायक नहीं रहे उस समय भी उन्होंने, हाँ, विधायक रहते हुए भी और ना रहते हुए भी उन्होंने काम करे लोगों के, जो बन सका उन्होंने। मेरा नाम लाखन सिंह चौहान है, मैं मुख्य रूप से खेती से जुड़ा हुआ हूँ, किसान, हिंडोलिया।